और दोस्तों कैसे आप, मेरा नाम अरुण प्रभुदेसाई, ट्रैक एंड टेक के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। ऑनर एक चीज बहुत अच्छी करता है, कंपटीशन विद वन प्लस। जी हाँ, जब वन प्लस 5 लॉन्च हुआ था उन्होंने ऑनर 8 प्रो लॉन्च कर दिया, उसी एक दो दिन इधर उधर करके लॉन्च कर दिया था। और अब वो लॉन्च कर रहे हैं ऑनर 10, इनफैक्ट लॉन्च हो गया है, आज ही अभी लॉन्च हो गया है। 24 या 48 घंटे सिर्फ बाकी है वन प्लस 6 लॉन्च होने को, और उसकी कॉम्पिटिशन में उन्होंने ऑनर 10 लॉन्च कर दिया। इनफैक्ट लंदन में 24 घंटे के बाद, मतलब 15 तारीख को लॉन्च हो रहा है ऑनर 10, मतलब आज लॉन्च हो गया, और 16 तारीख को लॉन्च हो रहा है वन प्लस 6, और दोनों भी एक दूसरे का कॉम्पिटिशन है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई ऑनर 10 कैसा है, क्या वो अच्छा है, क्या वो कम्पीट कर पाएगा वन प्लस 6 के रूमर्ड स्पेसिफिकेशन के साथ, और क्या आपने सीरियसली इसके पास देखना चाहिए। तो ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिए। दोस्तों हमारे वीडियोस मिलने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। दोस्तों ऑनर 10 के क्विकली मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बता दूं। सबसे पहले तो दिखने को बहुत अच्छा है, उसका जो अरोरा ग्लास बैक स्पेशली है, अलग अलग एंगल से अलग अलग कलर जो दिखते हैं बहुत ही अच्छे दिखते हैं, अरोरा ग्लास डिजाइन कहते हैं इसे। और सामने की तरफ उसका जो डिस्प्ले है 19:9 एस्पेक्ट रेशियो है। जी हाँ, नॉच डिस्प्ले है, एक्सट्रीमली थिन बेजल्स है। नीचे की तरफ जो चिन्ह है उसके ऊपर अंडर ग्लास फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अंडर ग्लास है ये, अंडर डिस्प्ले नहीं है। इसका मतलब आपको फील नहीं होगा, सिर्फ ग्लास है ऊपर से, लेकिन बाकी सब सेम रहेगा। अगर आपको नॉच पसंद नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू 18:9 एस्पेक्ट रेशियो उसको कर पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, इसमें आता है फास्ट चार्जिंग, इसका मतलब 25 मिनट में 50% तक आप इसकी जो बैटरी है वो चार्ज कर सकेंगे। साथ में EMUI बेस्ड ऑन एंड्रॉइड ओरियो है 8.1, तो वो भी अच्छी बात है। USB टाइप सी पोर्ट है, 3.5mm जैक है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस फोन की है इसका जो प्रोसेसर, 970 किरिन पर प्रोसेसर है, जिसमें डेडिकेटेड NPU आता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका मतलब AI का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है ऑनर 10, स्पेशली कैमरा में, रेयर कैमरा और फ्रंट कैमरा AI का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर तो है इसमें, लेकिन फेस अनलॉक भी है जो AI की वजह से बहुत ही फास्ट चलता है और बहुत अच्छा भी चलता है। और दोस्तों 970 प्रोसेसर के साथ आता है 6GB रैम, 64GB स्टोरेज एंड 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, ऐसे दो अलग अलग वेरिएंट्स में आता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट है, डुअल 4G है, तो ओवरऑल इसके अगर स्पेसिफिकेशंस देखे गए तो बहुत अच्छे हैं। इसका जो अंतुतु स्कोर दिखाया उन्होंने वो कुछ 200,000 के करीब है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट। इसका मतलब स्पेक्स के हिसाब से एवरीथिंग इज ग्रेट। इसमें IP67 या 68 सर्टिफिकेशन नहीं है, इसका मतलब वाटरप्रूफ नहीं है, दैट कैन बी वन ऑफ द डाउनसाइड, लेकिन बाकी सब अगर देखा गया तो स्पेसिफिकेशन फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों ये हो गए स्पेसिफिकेशन, लेकिन प्राइस कैसी है? प्राइस ठीक ठाक कहूंगा, मैं थोड़ी कम एक्सपेक्ट कर रहा था। जो 6GB वर्जन, 6GB 64GB वर्जन है वो 32,000 के करीब आएगा। देखिए उन्होंने इंडियन प्राइस अनाउंस नहीं की है, तो ये चेंज हो सकती है। बेसिकली 399 यूरोज प्राइस है, लंदन में जो लॉन्च हुआ उसमें 399 यूरो 6GB 64GB की थी, और 449 यूरोज जो आएगी अराउंड 36,000 के करीब। इसका मतलब जो लोअर वर्जन है 664 का वो है 32,000, और जो ऊपर का वर्जन है 6128 वो है 36,000। मेरे हिसाब से चाइना में जो लॉन्च हुआ अगर वो कन्वर्ट करते तो अराउंड 27, 28 एंड 31, 32 ऐसी प्राइस मैंने देखी थी। और इंडिया में मेरे हिसाब से अगर मैं गेस करता हूँ तो ये लॉन्च होगा कुछ 30, 31,000 लोअर वर्जन और 34, 35,000 अपर वर्जन। ये अगर प्राइस है तो ठीक ठाक है, और मैं ये भी कहूँगा कि वन प्लस 6 के साथ वो कम्पीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बोथ आर इक्वल इन माई व्यू। ये थोड़ा ऑनर 10 सस्ता है, वन प्लस 6 जो है थोड़ा 1-2 हज़ार से महंगा होगा मेरे हिसाब से। उसका जो 6GB 64GB वर्जन होगा वो 36-37,000 होगा, और जो 8GB 128GB वर्जन होगा वो होगा कुछ 40-41,000। दोस्तों इस वक्त मैं
करना नहीं चाहूंगा कंपैरिजन, या फिर आपको बोलना नहीं चाहूंगा कि ये अच्छा है या वो अच्छा है, क्योंकि Honor 10 भी अच्छा है, लेकिन OnePlus 6 अभी तक लॉन्च होना है। उसमें होगा वाटरप्रूफ, जी हाँ, इस टाइम पहली बार आएगा, वायरलेस चार्जिंग भी होगा, और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, वो अभी तक हमें पता नहीं है। तो होने दो OnePlus 6 एक बार लॉन्च, उसके बाद में ज़रूर हम कंपैरिजन वीडियो करेंगे और बताएंगे भाई दोनों में से वैल्यू फॉर मनी या फिर ज़्यादा अच्छा फ़ोन कौन सा है। लेकिन दोस्तों मुझे आपसे पूछना था, आपको क्या लगता है Honor 10 के लॉन्च के बारे में? याद रखिए मई 15th को ही जाने वाला है। मैंने पहले मेरे न्यूज़ में कहा था कि Honor 16th को, लेकिन 15th मिडनाइट को, 15th के एंड डे को ये लॉन्च हो जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो दोस्तों आप हमें बताइए आपको कैसे लगा Honor 10, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, क्या आप इसे खरीदेंगे, क्या आप OnePlus 6 के लिए रुकेंगे, ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।